यिर्मयाह नबी के पुस्तक 19 अध्याय का पांचवें वचन, और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने लड़के वालों को बाल के लिए होम कर दिए। यदि मैंने कभी भी इसकी आज्ञा नहीं दी, न उसकी चर्चा की और न वह कभी मेरे मन में आया। अन्य राजा लोग युद्ध में जीतने के लिए उस बाल देवता को अपने बच्चों को होम बलि करते थे। उसी को अनुकरण करके इसराइलियां भी इस प्रकार कुकर्म काम करने वाले थे। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहता है, जहां उन्होंने बलि के लिए वेदी बनाई, अपने बेटे को बलि करने के लिए जहां वेदी बनाई, वहीं पर जहां बाल देवता के लिए उन्होंने बनाई, वहीं पर तुम अपने लिए एक वेदी बनाओ। वहां पर खड़े हो के मैं जो कह रहा हूं इन लोगों के लिए, जो मैं चेतावनी के रूप में भविष्यवाणी करने पर उसको इन लोगों को तुम कहना, वैसे ही यिर्मयाह ने परमेश्वर की आज्ञा मान के किया था। तुम इतने पाप करने के चलते मैं तुम्हारे ऊपर दंड ऐसे दूंगा, नबूकदनेस्सर आएगा, इस शहर को पूरा घेर लेगा, तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपने मांस को या अपने पुत्रों की मांस को तू खाओगे। वैसे ही उस प्रभु का वचन पूरा हुआ था। 19 अध्याय का 8 और 9 वचन को पढ़ के देखिएगा, तुमने अपने बच्चों को होमबली किया है, कुर्बान किया है, उसके पापों को तुम्हें भूना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब निर्भात नेचार आएगा, तुम्हें घेरेगा, तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो अपने पुत्रों को तो अपने मांस को खाएगा। वैसे ही निर्भात नेचार जब आया था, वैसे ही घेराव किया, इनकी स्थिति ऐसे ही बन चुकी थी। हम ऐसे ही ढिलाईपन में नहीं रहना, परमेश्वर हमें नहीं देखेगा, नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर वो सारे कार्य को बदल के आपका जीवन में फिर से एक मनफिराव को लाने के लिए चाहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर अपने मन में आपके प्रति एक दया किया है, सचमुच में आपका मन में भी थोड़ा से भी परमेश्वर के प्रति ध्यान है, तो आप अपने सारी पुरानी हरकतों को, अपने रवैयों को बदल के प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। आज पूरे दिल से कहेंगे, हे प्रभु ये सच है, मैंने आपसे दूर हो गया है प्रभु, मेरे रवैया आपके विरोध में है, मैं अपने चाल चलन के द्वारा आपके विरोध में मैंने पाप किया है। आज सच्चाई दिल के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे दिमाग के साथ मैं अपने चाल चलन को तेरे पास अर्पण करता हूँ, मेरे मन को प्रभु जी तेरे ओर लाने के लिए अर्पण करता हूँ। यदि ऐसे करने से परमेश्वर दयालु है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, आपका जीवन में परमेश्वर आशीष दे के आपको फिर से उच्च स्थान में, पवित्रता में ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया।